हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन योर स्टाइल ब्रेन्स। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं तीन ऐसी किताबों के बारे में जो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए। इन किताबों में ऐसा कुछ स्पेशल है जो आपको इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, एनकरेज करेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों, ये जो तीनों किताबें हैं इनमें से दो किताबों के बारे में जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, उनमें से दो जो किताबें हैं वो रियल स्टोरी पर बेस्ड हैं और तीनों किताबों के राइटर सेम हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ कि वो तीनों किताबें कौन सी हैं और उनके प्राइस क्या हैं और आप इनको कैसे परचेज करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपको आपके पास जो भी ब्राउज़र है वो आपको ओपन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर अपना ब्राउज़र खोल रखा है। इस पर आप सबसे पहले अमेजन पर जाएंगे। आप चाहें तो फ्लिपकार्ट पर भी जाके इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोसेस आप अपने स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं। उसमें आप अपने ब्राउज़र पर अमेजन या फिर अमेजन की एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपने ब्राउज़र पर। ब्राउज़र में हमने amazon.in खोल लिया है और इसमें जो सबसे पहली किताब है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है 12th Fail। तो अगर आप सर्च करेंगे यहाँ पर 12th Fail बुक बाय अनुराग पाठक, तो आप इसको सर्च करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का इसका लेआउट है। ये जो फर्स्ट इसका जो सर्च रिजल्ट आया है इसमें आप देख सकते हैं, ये है 12th Fail बाय अनुराग पाठक और इस बुक की टैगलाइन है वो है हारा वही जो लड़ा नहीं। तो दोस्तों, ये जो बुक है ये पेपरबैक में भी अवेलेबल है और आप इसको किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं, घर पे मंगा के भी पढ़ सकते हैं। इसका PDF भी अवेलेबल है, कोई दूसरे सर्च रिजल्ट में होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो पेपर बैक है उसका प्राइस है 186 रुपीज़। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इसको परचेज नहीं कर सकते। ये मस्ट रीडेबल बुक है और ये जो बुक है ये आप अपने घर पर मंगा के पढ़ सकते हैं। इस बुक की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इसका ये अपने लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे, ये इसका लेआउट है। और दोस्तों, ये कहानी है एक UPSC एस्पिरेंट की जिनका नाम है मनोज शर्मा और ये रियल स्टोरी है एक व्यक्ति की जिसने अपने UPSC को क्लियर करने के सपने को कैसे पूरा किया, उस सपने को पूरा करने में उसको क्या क्या दिक्कतें आईं, उसने दिल्ली के मुखर्जी नगर में कैसे पढ़ाई की, कैसे अपने कहें तो लाइफ को मैनेज किया, क्या क्या चीज़ों का सामना उसे करना पड़ा उस दौरान जब वो अपनी प्रिपरेशन में थे और कैसे उन्हें सक्सेस मिली और अभी वो किस स्टेट में, किस जगह पर, किस पोस्ट पर हैं, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो इस बुक में अवेलेबल हैं। दोस्तों, ये किताब बहुत पॉपुलर हुई थी कुछ दिन पहले और बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा था। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं या फिर UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में या फिर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को मंगा कर आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल बुक है और शायद मैं अभी अपने चैनल पर भी आगे इस बुक का पूरा रिव्यू करूँगा, आपको पूरी इसकी स्टोरी बताऊँगा कि कैसे कैसे इस बुक में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली बुक जिसका नाम है 12th Fail। दोस्तों, दूसरी वो जो बुक है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं उसका नाम है द डार्क हॉर्स। आप इसको सर्च कर सकते हैं डार्क हॉर्स इन हिंदी। तो देखिए, ये है जो ये जो रिजल्ट आ रहा है पहला वाला, ये डार्क हॉर्स बुक का लेआउट है और ये बुक लिखी है डॉक्टर नीलोत्पल मृणाल ने और ये जो लेखक हैं आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। ये खुद भी एक UPSC एस्पिरेंट थे। ये जो कहानी है ये काफ़ी इंस्पिरेशनल है। यह बुक मंगा के पढ़ सकते हैं। पेपरबैक में ये बुक 110 रुपीज़ की है और ऑडियो बुक में अगर आप इसको सुनना चाहते हो तो ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको आप मंगा के पढ़ सकते हैं। ये जो स्टोरी है यहाँ पर कुछ कुछ इसकी डिटेल भी दी हुई है। ये जो किताब है ये भी किताब एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसे लड़के के बारे में ये कहानी है जो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, एक गाँव में रहता है और उसका ड्रीम है कि वो UPSC एग्ज़ाम क्लियर करे और उसकी प्रिपरेशन के लिए वो लड़का दिल्ली जाता है मुखर्जी नगर में पढ़ने, जहाँ पर बहुत सारी कोचिंग्स हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर को UPSC कोचिंग का हब माना जाता है तो ये लड़का वहाँ पढ़ने जाता है। दोस्तों, इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है जो लड़का, उसका नाम संतोष है
और वो दिल्ली में मुखर्जी नगर में जाके कोचिंग ज्वाइन करता है। इस दौरान उसको बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है, जिसमें उसको इकोनॉमिकल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हैं। उसके पिताजी जो काफ़ी रिच नहीं हैं, तो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ती हैं। कई बार वो एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करता है और फेल हो जाता है, जिससे वो डिप्रेस और डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसके कुछ फ्रेंड्स भी हैं इस कहानी में, तो ऐसे ऐसे ये स्लोली कहानी चलती है। और ये रियल स्टोरी है, इसलिए ये ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको इस किताब में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो जिनको आप अपनी लाइफ से जोड़ के देख पाएंगे, आपकी लाइफ से मिलती जुलती इसकी कहानी होगी। तो दोस्तों, ये किताब 110 रुपये में अवेलेबल है अमेज़ॉन पर। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो ज़रूर पढ़िए इस किताब को, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दोस्तों, तीसरी जो किताब है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वो किताब है रुक जाना नहीं। आप इसको टाइप करेंगे, रुक जाना नहीं। ये जो किताब है निशांत जैन ने लिखी है, और ये भी एक IAS ऑफिसर है। ये किताब भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, और लगभग 150 रुपीज़ में आपको ये अमेज़न पर मिल जाएगी अगर आप इसको पेपरबैक में ख़रीद के पढ़ना चाहते हैं तो। और ये किंडल एडिशन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको 00 रुपीज़ में अपने फ़ोन में PDF में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस किताब के बारे में नीचे हिंदी में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो आप इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि यह किताब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हिंदी मीडियम के युवाओं को केंद्र में रखकर लिखी गई है। इस किताब में कोशिश की गई है कि हिंदी पट्टी यानी जो हिंदी मीडियम के युवाएं हैं उनकी ज़रूरतों के मुताबिक करियर और ज़िंदगी दोनों की राह में उनकी सकारात्मक रूप से मदद की जाए। इस किताब में छोटे छोटे लाइफ मंत्र हैं, इस किताब को वो खास बनाते हैं। ये छोटे छोटे मंत्र जीवन में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। इस किताब की कुछ और खासियतें भी हैं, इनमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रैक्टिकल नुस्खों के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट पर भी विचार की बात की गई है। चिंतन प्रक्रिया में छोटे छोटे बदलाव लाकर आप अपने करियर और ज़िंदगी को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए रीडिंग और राइटिंग स्किल को सुधारने पर भी इस किताब में बात की गई है। कुल मिलाकर किताब की में कोशिश की गई है कि सरल और अपनी सी लगने वाली भाषा में युवाओं के मन को टटोल कर उनके मन के ऊहापोह और उलझनों को सुलझाया जा सके। इस मोटिवेशनल किताब में असफलता को हैंडल करने और सफलता की राह पर बढ़ते जाने के कुछ नुस्खे भी सुझाए गए हैं। ऐसे 26 युवाओं की सफलता की शानदार कहानियां भी उन्हीं की जवानी इस किताब के अंत में शामिल हैं, जिन्होंने तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद रुक जाना नहीं का मंत्र अपनाकर सफलता की राह बनाई और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इस किताब की एक स्पेशल बात यह है कि इसमें लगभग 26 UPSC एस्पिरेंट्स की कहानियां हैं, लगभग एक एक डेढ़ डेढ़ पेज में, और वो सारे स्ट्रगलर्स थे। सब लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से गुजरे, उन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत की। कुछ लोगों ने फर्स्ट अटैम्प्ट में, कुछ लोगों ने सेकंड में, कुछ लोगों ने अपने फोर्थ और फिफ्थ अटैम्प्ट में जाके UPSC एग्ज़ाम क्लियर किया। तो बात यह है कि आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हो सकता है या फिर आप अपने एजुकेशनल करियर में कहीं भी हैं, आपको इन तीनों किताबों को पढ़ना चाहिए। ये तीनों किताबें आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी, और आपके जो रोज़मर्रा के जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं पढ़ाई से रिलेटेड, उनको ये कई हद तक सॉल्व कर देंगी। तो ये तीनों किताबें आपको पढ़नी चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, पहली जो किताब जिसकी बात हमने की थी उसका नाम था 12th Fail, ये लगभग 186 रुपये की है अमेज़न पर। और दूसरी जो किताब हमने जिसकी बात की उसका नाम है डार्क हॉर्स, ये लगभग 110 रुपये की मिलेगी आपको अमेज़न पर। और तीसरी जो किताब जिसकी हमने बात की ये लगभग 150 रुपये की है, और ये तीनों बुक्स आपको amazon.com पे .in पर मिल जाएंगी। इन तीनों बुक्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी उन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ये मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो इसको अपने मोबाइल फ़ोन से भी परचेज कर सकते हैं। तो पढ़िए इन तीनों किताबों को, और जब आप इन बुक्स को मंगा कर पढ़ लें तो आप इस वीडियो के नीचे अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे भविष्य में कभी भी, उन बुक्स को उन लोगों को इन बुक्स के बारे में और रिव्यूज़ इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।